हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सके कल के दिन मार्केट की नियत और होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि आज के दिन हमें मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और साथ ही साथ हमारे अपर रजिस्टर से 25,000 के लेवल के पास में वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। तो वहां पर कल के दिन कैसी रहेगी उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ कल के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है तो वहां पर हमारे पास कोई फाइनल डिसीजन नहीं होने वाला है, बट एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ की एंकर बुक आ चुकी है और वहां पर काफी अच्छे नामचीन नाम हमें देखने को मिले हैं जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं किसी भी आईपीओ के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा ये आईपीओ और भी ज्यादा स्टडी करने के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है दो दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग जो होने वाले हैं, चेतना एजुकेशन एंड मंगलम इंफ्रा की, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआई ने 5565 करोड़ की बाइंग करी है और एफआई ने 5600 करोड़ के करीब की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं जिनकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, चेतना एजुकेशन एंड मंगलम इंफ्रा की, तो वहां पर पर्सनली मुझे कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो मेरी इन दोनों आईपीओ में एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती कि जैसी ये आईपीओ लिस्ट होते मैं वहां पर इमीडिएट बुक करता, क्योंकि जहां पर अगर हम इनके जीएमपी को भी देखते तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा जीएमपी चल रहा है, मतलब कि 90% पर मैक्सिमम लिस्टिंग हो सकती है और उसी के आसपास हमें मंगलम इंफ्रा का भी जीएमपी देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद कौन सा सर्किट लगेगा वो 50-50 होने वाला है और किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। इसलिए सर्किट के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि वहां पर अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर लोअर सर्किट लग गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी और हमारा एग्जिट प्रॉपरली नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। इमीडिएट बुकिंग के लिए हम प्री ऑर्डर में भी अपना ऑर्डर ट्रेड कर सकते हैं। बाय द वे, जिन भी लोगों को जो आईपीएस अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट। और मंगलम इंफ्रा में ना देखो, जैसे कि हमारी कल भी बात हुई इन दोनों आईपीओ में, वीवीआईपी इंफ्राटेक वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट में, कि अपर सर्किट लगने की उम्मीद है, लगेगा या नहीं लगेगा वो नहीं मालूम, बट वहां पर 55 और 45 की प्रोबेबिलिटी बन रही थी, बट कल के दिन मंगलम इंफ्रा में 50-50 की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। अब देखो कौन सा सर्किट लगता है वो नहीं मालूम, तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी हमने यूज करी थी वो मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी है, ये मेरे पर्सनल रूल है। आप लोग अपने रूल्स, अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एनालिसिस करते हुए कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी कल के दिन बात होती है 24,780 के पास का हमें इंपोर्टेंट सपोर्ट मिलने वाली है। अब मार्केट खुलती है हमारे लेवल के आसपास आती है जहां से हमें इमीडिएट फर्स्ट मूव फिर सेकंड मूव देखने को मिली और 25,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस था और वहीं से हमें पहली मूव और सेकंड मूव देखने को मिल चुकी थी। अब कल के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले 25,000 का लेवल ऊपर की साइड होने वाला जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और निचली साइड हमारे पास अभी भी 24,780 का लेवल होने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़कर नीचे जाती है और सस्टेन करती है तो हमें नीचे की मूव भी देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर ऊपर जाती है और सस्टेन करती है या फिर 25,050 का लेवल क्रॉस करती है फॉर कंफर्मेशन, तो हमें ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, बट अगर हम हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हमारे अगेंस्ट वो ट्रेड जाती है तो हमें वहां पर ज्यादा दिक्कतें ना हो और हमारा लॉस मिनिमाइज से मिनिमम हो सके। बट हमने जहां पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।